आलू की खेती बड़ी आसान है और आपको अमीर बना सकती है। आखिर आप कैसे आलू से मालामाल हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा की बात करें तो आलू की सबसे ज्यादा बिजाई कुरुक्षेत्र जिले में की जाती है, लेकिन आलू की बिजाई सबसे अहम है। अगर आलू का जमाव अच्छा नहीं होगा तो पैदावार में भारी गिरावट हो सकती है, इसलिए किसानों को बीजों के चुनाव में खासी सावधानी बरतनी है जिससे अच्छी पैदावार हो सके। किसानों को सावधानी से उन्नत किस्म के बीजों का ही चुनाव करना है। पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एकमात्र पिपली मंडी है जहां पर दूसरे राज्य से भी अधिक किसान आलू बेचने के लिए आते हैं। अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते से आलू की बिजाई शुरू हो जाती है जो पूरे महीने तक चलती है। किसान अगर उसका आलू का बीज लेना चाहे तो हमारा शाम का ढाई के पटाटा सेंटर, वहाँ पे उन्नत किस्म का बीज मिलता है किसान को और बहुत ही बढ़िया रेट पे मिलता है। हरियाणा में आलू की कई किस्में हैं जिसे अलग अलग वक्त में लगाया जाता है। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी खयाती, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्वाहर और कुफरी सिंदूरी है। इन किस्मों को लगाने से किसान 100 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। कई किसान अपने खेत में कच्चे आलू ही निकाल लेते हैं जिससे उनकी पैदावार कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है तो दूसरी फसल लगाने से भी उसकी पैदावार की भरपाई हो जाती है। कुरुक्षेत्र के कृषि बागवानी अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण ने बताया कि आलू की खेती करने में खाद की मात्रा काफी अहम होती है। वहीं आलू की बिजाई के लिए पोटैटो प्लांट मशीन सबसे बेस्ट है और इससे किसान के समय के साथ ही पैसों की भी बचत हो जाती है। साथ ही किसानों को चाहिए कि सिंचाई के वक्त नमी का खासा ख्याल रखें। वहीं खरपतवार पर काबू पाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। कुछ लोग अगेती जो फसल लगाते हैं, कुफरी पुखराज, कुफरी बहार, सतलुज एक बहुत पुरानी वैरायटी होती थी, कुफरी सिंदूरी और दो तीन वैरायटी किसकी भी आ गई हैं जो जिससे चिप्स बनते हैं, चिप्स 01, चिप्स 02, ये वैरायटी भी लगाते हैं जिनकी कंपनियों में काफी डिमांड और किसान को उनका इसका अच्छा फायदा मिलता है। पिछली बार कुरुक्षेत्र में 10,000 हेक्टेयर से आलू की बिजाई की गई थी, वहीं इस बार जिले में 15,000 हेक्टेयर पर आलू की खेती का अनुमान है। सरकार ने किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना भी चलाई है जिससे आलू के किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिल सकती है। कुरुक्षेत्र से ईटीवी भारत के लिए मुनेश की रिपोर्ट।